हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसे क्लास में। मेरा नाम जीशान दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दो वैकेंसी आए हुए हैं जो कि निकली है तमिलनाडु से, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है, कितने एज लिमिट है, क्या वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, सब कुछ, और इसमें क्या क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन सब बताऊँगा शुरू से अंत तक। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि इसमें क्या क्या है, कौन इसको भर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, इसमें पूरे भारत के लोग सब भर सकते हैं। जो तमिलनाडु के हैं उसको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर वो दिखाते हैं अपना सर्टिफिकेट, तो नहीं तो कोई भी भरेंगे तो उसमें वो भर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं दोनों को। फॉरेस्टर का है ये और दूसरा है आपको फॉरेस्ट गार्ड, दोनों निकला हुआ दोस्तों। इसका लास्ट डेट क्या है सबको बताऊँगा मैं आपको, तो हमारी वीडियो को लास्ट जरूर देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं दोनों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ दिखा रहा है फॉरेस्टर का जो कि कोड नंबर 1 है, और इसका जो टोटल पोस्ट है वो 300 है, और इसको जो सैलरी है वो 35,900 से लेकर 1,13,500 रुपये तक है। ये देखिए, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है, 300 पोस्ट लगभग फॉरेस्टर के लिए, और इसको आपको ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सब मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये लिंक PDF का, वहाँ से आप देख के आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काम आनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन यहाँ पर है, ये ऑनलाइन चालू है आपका। ये जो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन है ये आपका चालू है, ये 6-10 को निकला था नोटिफिकेशन, और 15 से ऑनलाइन है, और ये 5 नवंबर तक के शाम 5 बजे तक ये ऑनलाइन रहेगा, और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो भी सेम डेट तक रहेगा, और अगर आप ऑफलाइन करते हैं चालान के द्वारा वो 7 तक रहेगा। और जो इसका स्कीम का जो है एग्जामिनेशन का, वो यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेपर 1 में जो है GK है, एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है, डेटा एनालिसिस है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक तमिल लैंग्वेज है, और इसका जो टाइम और ड्यूरेशन है वो 10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे के में होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर का होगा, और पेपर 2 में GS है यानी जनरल साइंस है, 2 से 5 बजे तक होगा 3 घंटे का, इसमें भी 100 मार्क्स है, और जो BC, BC, MB, DC, SC, ST जितने भी हैं सब, इसके लिए 30% लाना अनिवार्य है, और अदर के लिए 40% लाना अनिवार्य है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों वो इंग्लिश और तमिल दो भाषा में होगा। ये रहा इसका एग्जाम का पैटर्न। और जो एज लिमिट है देखिए, यहाँ दिखा रहा है जो जनरल है, SC, ST, OBC जो जो आते हैं वो सब, उसके लिए मिनिमम जो है 21 साल है दोनों के लिए, और मैक्सिमम 30 साल ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए 35 साल है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर, ये इतने सारे चीज़ में वो होना चाहिए डिग्री। क्या दिखा रहा है, मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कोई भी विषय में विज्ञान के साथ होना चाहिए बैचलर डिग्री, या इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ एनी वन ऑफ फॉलोइंग। ये जो नीचे दिया गया है 17, ये सब कुछ दिया गया है, ये सब चीज़ में आपको डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग के साथ, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या रखा गया है। मेल के लिए है 163 सेंटीमीटर, और जो फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। नॉर्मल जो है 79 है, और जो नीचे वाले के लिए 74 है। एक्सपेंशन के बाद 5 फुल इंस्पेक्शन दिया गया है। इसमें बहुत सारे हैं, ये लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो है जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो दूसरे एग्जाम में जाने के लिए आपको 1/3 में रेशियो में ये सिलेक्शन करेगा। और जो दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपको 250 रुपये का लगेगा। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन जो है चालान के थ्रू है, दोनों है, आप जो भी चाहें उसे कर सकते हैं। और ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको सब कुछ डालना है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिया है, इसको आप देख लीजिएगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। और जो यहाँ दिखाया गया प्रिंट ऑप्शन, इसको प्रिंट करके जब फाइल आप सबमिट कीजिएगा उसको रख लीजिएगा, आगे काम होने वाला है, और इसको आपको भेजना नहीं है वहाँ पर, ठीक है, आपको रखना है ताकि आगे काम आए आपके। लास्ट डेट दोस्तों 5 नवंबर तक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा फॉरेस्टर के लिए, अब आगे देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए फटाफट जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड विथ ड्राइविंग लाइसेंस। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको 726 पोस्ट है, और फॉरेस्ट गार्ड जो साथ में मांगा गया ड्राइविंग लाइसेंस उसके लिए 152 सीट है। दोनों का जो है सैलरी सेम है, 18,200 से लेकर 57,900 तक, और इसमें जो है आपको सेम वही चीज़ है, 5 नवंबर तक आप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और इसमें जो दोस्तों एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम है जनरल नॉलेज का, और उसमें जो है
10 से लेकर 1 बजे इन 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 150 मैक्सिमम मार्क्स है। और जो बी सी एम बी एस एम बी सी डी सी एस सी एस टी जितने भी हैं उसके लिए 30% लाना अनिवार्य है और अदर के लिए 40% लाना अनिवार्य है। और जो एज लिमिट है दोस्तों उसके लिए देखिए यहाँ पर जो जनरल है जो आता है एस सी एस सी एस टी एम बी सी उसके लिए 21 साल है मिनिमम सबके लिए है, बाकी सबके लिए 30 साल है, दूसरे के लिए 35 साल है। और जो एक सर्विस मैन है और जो फॉरेस्ट गार्ड इसमें में काम कर रहे हैं पहले से उसके लिए 30 साल है। और देख रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो है एप्लीकेंट शुड पोसेस द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ए पास इन देखिए दिखाया फॉरेस्ट गार्ड के लिए ए पास इन हायर सेकेंडरी कोर्स विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो आपको 12th पास होना चाहिए ये कोई भी एक सब्जेक्ट होना उसमें अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी या बॉटनी इसमें से, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड विथ ड्राइविंग लाइसेंस उसके लिए क्या है ये पास इन हायर सेकेंडरी कोर्स उसके लिए भी +2 है 12th पास, उसमें भी एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी बॉटनी ये सब, यानी सेम चीज़ है। और साथ में इसमें क्या है कि आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है कॉम्पिटेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ। उसमें जो डिस्टेंट विजन है 6x6 आई का है, नियर विजन 0.5 है लेफ्ट के लिए, ये इस तरह से ये इसका मेडिकल फिटनेस है देख लीजिएगा। और जो हाइट है सेम रखा गया है जो था फॉरेस्टर के लिए वही इसके लिए है, बाकी लगभग सब चीज़ सेम है, मैं आपको दोनों बता दिया। इसमें देखिए यहाँ दिखा रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या होगा बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसके आधार पर होगा, और जो इसमें पास करेगा तो 1/3 के रेशियो में वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जाएगा। और जो एग्जामिनेशन फीस है उसमें 150 रुपया रखा गया है, इसके लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं पेमेंट गेटवे से और ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और इसके लिए ऑफलाइन के कर सकते हैं आप चालान के थ्रू, और इसको भी आप प्रिंट कर लीजिएगा, इसको भेजना नहीं है प्रिंट करके आप रख लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। लास्ट डेट दोस्तों उसका भी 5/11 है, इसको आप याद रखिएगा ये सब चीज़, ये बाइफरकेट किया गया वैकेंसी कैसे कैसे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, दोनों PDF आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है मैंने बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।